ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सतयुग में जो हमारी आत्माएं होती हैं वो कितनी बार जन्म लेती हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चार युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं, आरंभ सतयुग से होता है और अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। तो सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग, हर युग में कोई ना कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोग का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? तो चलिए हम सतयुग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सतयुग के लिए माना जाता है किस युग में बहुत लोग जन्म लिए। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तक भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय आत्मा का अंत भी होता है। 17,28,000 साल बाद खत्म होती है आत्मा। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 साल बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता हिंदू धर्म में श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार है। लेकिन यह बहुत कम लोग को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं में से इच्छा की समाधि ली थी, तो इस बारे में धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली थी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।